حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ترے دفعہ میرے نال مل کے باواز بلند بارگاہ بے کس پناہ چ درود و سلام دا نذرانہ اونچی آواز نال پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پھر بولو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سارے صاحبان مل کے پڑھو باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ صدر عالی قدر فخر خانوادہ نقشبند امیر کاروان طریقت حضرت خواجہ محمد حسن باروی قبلہ سجادہ نشین دربار عالیہ پیر بارو شریف اور حضرت پیر طریقت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رکن آباد شریف اسٹیج تے حضرت علامہ سید فیض عباس قمر بخاری علامہ غلام میر علی صاحب اور جتنے حضرات میرے سجے کھبے اسالے علماء مدرسین مشائخ موجود ہیں اللہ انہاں دی تے میری حاضری قبول فرما دے اسٹیج تے مفتی اعظم پاکستان
दुनिया के हर महाज से नजरियाती फिक्री इलमी फिकही सियासी साइंसी सहाफती महाज से अहले सुन्नत की तर्जुमानी फरमावन वाले जिवें हजरत अल्लामा खादिम हुसैन खुर्शीद उल अजहरी फरमा गए ना तुस हौले हौले सुभान अल्लाह आखो कोई हर्ज नहीं तुहाडी सुभान अल्लाह उच्ची होवे ते भावे मठी होवे साडी तकरीर दी खिताबत मजरूह नहीं थींदी सिर्फ तुहाडी गैरत ते दीनी दा इम्तिहान होंदे। किबला मैं वाज नहीं करना बखुदा मैं सही को अर्ज कीते मैं 15 मिनट आपको सबक सुनवे सब आप दा खिताब सुन सो ते दिल दी तख्ती ते लिख सो जिन्हों को मोबाइल हैं जिन्हों को एक कैमरे वगैरह हैं वो आप दा बयान रिकॉर्ड करें एक एक लफ्ज मोती तू ज्यादा चमकदार ते ताबदार हो तुसा शुक्रिया अदा करो अल्लामा इब्ने अल्लामा मुहक्किक इब्ने मुहक्किक मुनाजिर इब्ने मुनाजिर हजरत साहबजादा असैयद मोहम्मद दुर्र अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करो कि जिन्होंने इतनी बड़ी हस्ती को सदवा के तौक ज़ियारत ते बयान की समात का मौका अता किया। आखो सुभान अल्लाह जेड़े अस्टेज ते मार का मुराकबा करके बांधन उन्हों का मुकद्दर लेकिन जिथा ऐसे मशायख की सदारत हो मुराकबे का वक्त नहीं आता मुजाहदे का वक्त अस ही मुराकबे कर सकते हैं सारी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मैं बस 5 मिनट सरैकी बोल के वल हजरत वास्ते उर्दू बोले सा जो कोशिश करे सा मैं कोई अच्छी गुफ्तगू करा उर्दू में जरा तुरी तवज्जो मुबारक भी है ना ऊ जवान दा जै रुखी सुखी खा के दीन दा पारा दिते इतना बड़ा मदरसा ए मस्जिद ए तरतीब तज़ईन ए ऊ मर्द मुजाहिद दी रात नी दे कुर्बानियां ते इल्मी खिदमात दा नतीजा ते जेड़े मदरसे दे हैं मुआविनीन अल्लाह उन्हें को सलामत रखे ए सदका जारी है इन्हा वास्ते कयामत तक इंदा अजर जिंदगी विच भी है कबर विच भी है हशर विच भी है। अल्लामा पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर झंडीर अल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े गैरतमंद आलिम दीन हैं मुनाजिर हैं मेरी उन्हां नाल पुरानी नियाजमंदी है इन्हां दे खानदान नाल सारी देरीना अकीदत दा ताल्लुक है इन्हां दी मेहरबानी है इन्हां दा एहसान समझे जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान को सड़ के तौकू ज़ियारत दा मौका अता कीता। हजरात मोहतरम तवज्जो हम निस्बतों के कायल हैं हमारा ईमान है कि मेरे आका व मौला अलैहि सलातो व सलाम अगर फर्श पर हो तो फर्श अफजल है। उस वक्त किबला अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीदी ने बड़ा खूबसूरत बयान किया अल्लाह करे तो कुछ समझ आई होवे ते वल अमल करे हम निस्बत की बात करने वाले लोग हैं अगर सैयद आलम व आलमियान इमाम उल अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसाबी वसल्लम अगर फर्श पर हो तो तब फर्श अफजल अर्श पर जाए अर्श अफजल मक्के में पैदा हो तो मक्का अफजल और यसरिब में तशरीफ लाए तो वहां की मट्टी को खाके शिफा बना दे। मार 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 का सुभान अल्लाह आखे वे मेरा तो दिल डर गया अल्लाह इतबूड़ दा इतनी सुभान अल्लाह ना एक बार यो जा ये कोशिश करके भाई झिके झिके सुभान अल्लाह आखो जा अगर सरकार मक्के में पैदा हो तो अल्लाह मक्के की कसम फरमाए
बलदुल अमीन की कसम फरमाए, अगर अल्लाह के नबी नुजूल इजलाल फरमाकर मदीने में तशरीफ लाए, अरे यसरिब को सरकार की खाके पाक ने तैबा बना दिया। मैं कुर्बान आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे मिल्लत पासबाने तकदीसे रिसालत अल इमाम अहमद रजा खा हनफी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई उस्ताद जमन मौलाना हसन रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हमारा दिल जख्मी है, हमारा दिल रोता है, रब्बे काबा की कसम मैं अब तक बावजू बैठा हूं, अपने कायद अपने रहनुमा अपने दीनी फिक्री नजरियाती पेशवा के सामने अपने दिल का जख्म दिखा रहा हूं कि कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो कहते हैं हमें आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है। सही आदम के लिए आगे बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है। मिर्जा मोहम्मद अरशद साहब, मैंने कहा जिनको आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है हमें उनकी अच्छा चेहरा देखकर वहशत होती है। अल्लाह ने शिकल फिटा दी होनी, मेरे मालिक तेरी कुदरत का इंतकाम बड़ा सख्त है। सरकार के सहाबा और अजवाज मुताहरात के गुस्ताखों की शक्लें यहां मस हो गई, खुदा जाने कब्र में उनके साथ क्या सलूक होगा। यहां सही सैयद बैठे हैं, फैज अब्बास बुखारी कमर इमाम आलम दीन और हुजूर जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। ये खुद साख्ता सैयद नहीं, खुदा साख्ता सैयद है। चेहरा देखो इनका। और जो कुटाने मुसल्ली मिरासी नए सैयद बने उनके चेहरे भी बताते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते। कहते हमें आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। मैंने कहा तेरा चेहरा देखकर हमें वहशत आती है। और मैं ये बात अर्ज कर दूं मेरे हजरात, रखियो गालिब मुझे इस तलख नवाई से मुआफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। जो बात मुखालिफीन अहले सुन्नत राफजी सबाई तबर्राई अपनी महाफिल में अपनी मजालिस में नहीं कह सकते थे, वो बात सोशल मीडिया पर सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले बरसरे आम बक रहे हैं। क्या आपको पता नहीं इन बातों का है? आप देखते हो माशाल्लाह, ये सुन्नी कलंदर है, सुन्नी कलंदर दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। और क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हाफिज शाकिर साहब बैठे हैं, जरा मेरी बात पे गौर करना। जो बात तबर्राई सबाई राफजी अपनी मजालिस में खुलकर नहीं कर सकते थे, वो सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले मौलवी और पीर बरसर आम सोशल मीडिया पर और अपनी महाफिल में अलानिया बयान कर रहे हैं। अल्लाह उनकी शादी कहते हैं, अल्लाह उनके शर से बचाए और जमीन को उनके वजूद से बचाए। कब तक तुम ईरानी सरमाए पर दंडनाते रहोगे, कब तक गैरों के टुकड़े खा खा कर और अग्यार की हड्डियां चूस चूस कर खिलाफत बिला फसल पर हमला करोगे, कब बागे फतक के मुकदमे को 1400 साल के बाद रीओपन करना चाहोगे। जालिमों ये दराहिमो दनानीर
कब्र में तो साथ नहीं देंगे ना। बोले ओए तुम्हें किसी को गैर मुल्की माल पर भरोसा, अहले सुन्नत को रसूल के असहाब और आल पर भरोसा। मैं बड़े बड़े हजरात बैठे हैं, इस इलाके के रईस बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं। हजूर पेट्रोल पंप तो आ रहा था, आसिफ शहजाद पंप तो आ रहा था, असा उत्तर पैसे दे के भरवे ने उन्हें पेट्रोल। भाई साढ़े यार दाता है, भाई मंडी अपने घर बने, ये इदारे के सरपरस्त हैं, ये मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। और सुनो, इतना बड़ा हजारों का इतबा। अच्छा हाँ, मियां परवेज साहब तो बड़े अहले खैर खानदान के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जिनका खानदान दीनी और रिफाही कामों में पेश पेश रहता है। मियां साहब आपको मुबारक हो, आपके बाप दादा की कब्रों को इसका सवाब मिलेगा और कयामत तक आपको भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अकेला ही चला था जानेबे मंजिल, मगर राह राव मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं ये बात अर्ज कर दूं, पीर सैयद दुर्रे अली शाह एक फर्द नहीं है, एक शख्स का नाम नहीं है, ये शख्सियत है, ये जमात अहले सुन्नत के नुमाइंदे हैं। मैं ये बात बरमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, आपका ये खादिम जमात अहले सुन्नत पंजाब का सूबाई जनरल सेक्रेटरी है, जिसको नाज़िम आला कहती है। और मैं इल्म के बरकस में अपने पीरो मुर्शिद की दरसगाह जामिया इस्लामिया अनवार उलूम न्यू मुल्तान मदनी चौक के पास जो है उस मरकज में आपका ये बे इल्म खादिम व खतीब है। मैं ये ऐलान कर रहा हूं अपनी जमात की तरफ से कि पीर दुर्रे अली शाह की पुष्ट पर पूरे अहले सुन्नत का हाथ है। जेड़े तुसा नारे लैन एक मिनट टाइम बिच गए। अच्छा अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, बस मैं बात को समेटता हूँ। हमारे पीर दुर्रे अली शाह साहब जो हैं ये अहले सुन्नत के गैरतमंद बेबाक निडर तर्जुमान हैं और अपने वालिद की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। मैं ये बात बरमला कह रहा हूं, अभी अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन साहब कह गए हुजूर मुफ्ती साहब की भला जो कुछ फरमाएंगे वो हमारे लिए तबर्रुक होगा। मेरी बात को गौर से सुनना, ये नात खान जिनके चेहरे पर शरीयत का कोई अक्स नजर नहीं आता, ये नात खान ये तो हजूर दे सना खान ये तो शरीयत दे पाबंद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जिनको इस्तिंजे और वजू की भी तमीज नहीं, जिन बदबख्तों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, माशाल्लाह से जिन बदबख्तों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिन्हें इल्मी नहीं रोजा कब शुरू होता है और कब इफ्तार होता है, और बकौल हमारे मुफ्ती आजम के पाकिस्तान में इस्लाम पर दीन पर खत्म नबूवत पर नामूस रिसालत पर और कुरान की हिफाजत पर जब कोई हर्फ आया तो यही उलमा मैदान में निकले। ईमान नाल दसो कोई नाथ खान मैदान च आए, ईमान नाल दसो कोई कव्वाल मैदान च आए जेड़े खड़ के नच देन टप देन ते लखा रुपए तुहाडे घिन के बर्बाद करके वेने, तो आपको क्या फायदा थे उन्हें को मड्डी खवा के जे मदरसा वास्ते मंगो आजन। हजरत साहब कुछ आजकल हालात सारा मंदेन कारोबार मंद है, महंगाई थी गई है, अल्लाह दे बंदे जड़ वेले आखिर के बाने कलफ आले कपड़े पा के वीडियो बन दी पई है, तस्वीर छिकी दे पेन उं वेले 100 100 दे 5 500 ते 1000 दे नोट देने बेबद अकीदा नाथ खान को उं वेले ते को ख्याल नहीं आता।
मैं ये कहना चाहता हूं अपने मदारिस को मजबूत करो, जामिया गौसिया मेहरिया कमरुल इस्लाम के दर दीवार को रोशन करो, इस मस्जिद को मुकम्मल करो, अल्लामा दुर्रानी शाह से तामुन करो। ये मसलक की खिदमत है, ये दीन की खिदमत है, ये तुम्हारी आखबत की भलाई है। हैरत की बात, एक नाथ खान आता है ना, वो एक शेर पढ़ के हम का कहते हूं मैं मौला अली दा कसीदा पढ़न लगा। मैं हम चिश्ती हैं, हम तो मौला अली के दरवाजे के भिखारी हैं, तो हम मिराशियों से मौला अली की मोहब्बत का सबक लेंगे? हम इन गवियों से मुसलियों से कुटानों से इन बेनामो नसब लोगों से इन वलद नामालूम लोगों से इन मजहूलों नसब लोगों से आले बैत की मोहब्बत का हम सर्टिफिकेट लेंगे? अरे हम तो मौला अली के पैदाइशी गुलाम है। मैंने कहा तुम सरकार अली मुर्तजा का एक कसीदा नहीं, हमें 10 कसीदे सुनाओ, मगर तरतीब से चलो। पहले खलीफे अव्वल बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक की मनकबत सुनाओ, जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने हजरत हसान बिन साबित से फरमाया था, हसान मेरे यार गार की मनकबत भी कही है। हाय हाय हाय, हमारे लिए शर्म का मकाम है, हमारे किसी मजमे में किसी नाथ खान ने ना मनकबत पढ़ी न किसी ने फरमाइश की। कभी आपको अल्लाह ने तौफीक दी कि किसी जो नकीबे महफिलों की ये नकीबे महाफिल की फौज जो अब पैदा हुई है, और खुदा की पनाह खुदा बचाए, तकरीर आध घंटे की, नकाबत डेढ़ घंटे की, और इतना शोर मचाएंगे कि समझ में कोई बात नहीं आएगी। उनसे कहो हम सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा मुअज्जमा मलिके जन्नत सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मनकबत जरूर सुनोगे, पहले उनकी माओं की शान तो सुनाओ। अगर कयामत के दिन अल्लामा साहब, अगर कयामत के दिन मेरे मुस्तफा करीम ने पूछा कि फातिमतु ज़हरा मेरी लख्त जिगर, मेरी नूर नजर, मेरे दिल का चैन, मेरे लिए नूर एनैन है, तुमने उनका जिक्र किया और मेरी तीन बेटियों का क्या जुर्म था कि उनका तो जिक्र ही गोल कर दिया। वो भी खातून जन्नत की बड़ी बहने हैं, सगी बहने हैं, और इस्लाम की खातून अव्वल हजरत खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटियां हैं, रसूलुल्लाह के सुल्ब से हैं। आपको तो कभी मौलवियों ने उनके नाम भी नहीं बताए। और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कुबरा बिनते सिद्दीक अकबर मुअल्लिम उम्मत आयशतु सिद्दीकतुल हुमैरा, कभी जिक्र इनसे नाथ खानों से सुना करो। मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं इसलिए कि हमारे कायद, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा, हमारे इमाम आ हिकमत तो सरह की गाल करा, रोजनामा दुनिया अखबार है दुनिया, तो खैर दीनदार हो ना तो दुनिया नाल क्या सर का, तो सब दीनदार हो, लेकिन सराकी च दीनदार नौ मुस्लिम को आ दे कि बोला शाह जी मुल्तान आले पुराने मुल्तानी दीनदार नौ मुस्लिम को आ दे इस्तेलाहन तू सता सही माने मुतअद्दियत ते शरद पाबंद हो। रोजनामा दुनिया च हफ्ते हुजूर दो मर्तबा आपका कालम है तीन बार जुमरात दे दी ते छण छण दे दी सनीचर हफ्ते ते जुमरात को आप दा मजमून छप दे दुनिया है हर मौजू से आप गुफ्तगू फरमाने सियासी होवे भावे दीनी होवे भावे मुल्की होवे भावे बैनुल अक़वामी होवे वो पढ़ा करो हजरत का खिताब सुनसो ते आज वादा करो इना ये इना हजरात दे सामने मुफ्ती आजम दे सामने जो कमरुल इस्लाम नाल पहले तू वध के तावन करे हाथ खड़े करो इंशाल्लाह ये अल्लाह रसूल नाल वादा है ना। अच्छा खैर होता अपने नाल तामन हो सी था अपने बाल भेजो पुत्र भेजो भतरीजे भेजो मदरसे च ये भी तामन है लेकिन हर तरह रमजान शरीफ विच ज़कात विच सदका फितरा कुर्बानी दे खल्ला नाल मदरसे हजरत ने मेरे को नहीं आखे तू ऐलान कर मैं आपू ऐलान करेंदा पिया अल्लाह ताला तो को तौफीक देवे हाय हाय दामाने तवक्कुल की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साकू गैरत दी कासा लेसी तू बचाए। मैं हुजूर किबला ही पास है ना मैं काबिया पास मुंह की बैठा
और इन्हा हजरात को गवाह बना के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असा वो लोग हैं जिन्हें अकीदा नजरिया ते मसलक नहीं बेचा, ना जबान दा सौदा कीते ना कलम दा सौदा कीते। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पैवंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। अल्लाह ताला इन इदारे को क़यामत तक कायम रखे। पीर सदाम सुल्तानी साहब हजरत दे नाल बतौर खादिम माशाल्लाह ते मैं हजरत ऐलान करने हूं बिला ताखीर। मुफ्ती तैयब इरफान साहब किबला, चलो हजरत मुनाजिर इस्लाम मुफ्ती तैयब इरफान बारहवीं साहब मुसन्निफ़ हजरत ओ किताब जरा आप देखो सल्लु अलैहि व आलिही किताब ने बलगल उला बेकमाल ही एक किबला फैज अब्बास बुखारी साहब ने किताब लिखी है मेराज दे उते ते ए अगर गिनसो तो जरूर फायदा थी सी आलिमाना मुहक्किकाना किताब है हदिया 300 है ए जरूर गिनसो ते हजरत दा हुन मुफ्ती तैयब इरफान साहब दे कोल ऐलान सुनो।